किशन सिंह, उस घमंडी लड़की का घमंड तोड़ने के लिए और गांव में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए शादी उसी तारीख को होनी चाहिए। सुनो चंद्रमोहन, तुम शादी की तैयारी शुरू करो, मेरे बेटे की शादी सिर्फ तुम्हारी बेटी से होगी। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा किशन सिंह। अच्छा मैं मिठाई लेके आता हूँ। अरे राजा बेटा, राजा बेटा, सुना तुमने, तुम्हारे बाबूजी ने जिस तारीख को शादी तय की थी उसी तारीख को शादी होगी। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चंद्र काका, शादी भी उसी तारीख को होगी और लड़की भी वही होगी। मधु, क्या वो लड़की शादी के लिए राजी हो गई? राजा अभी तक तो राजी नहीं मां, मगर मुझे पूरा विश्वास है वो जल्द ही राजी हो जाएगी। अरे वो राजी होने वाली कौन होती है, मैं राजी नहीं हूँ। उस लड़की से तेरी शादी हरगिज नहीं हो सकती। बाबूजी आपकी नाराजगी बिल्कुल ठीक है, मगर इसमें सारी गलती मधु की तो नहीं, कुछ गलती हमारी भी है। आखिर वो कितनी पढ़ी लिखी लड़की है और मैं ठहरा कब रहने लायक? उस लड़की की तरहदारी करा जिससे सारे गांव के सामने मुझे सही किया, मेरा सर झुका दिया। पूरे गांव के सामने अपना सर झुकाकर वो आपसे माफी नहीं मांगेगी बाबूजी? मैं किसी से माफी नहीं मांगना चाहता, मैं सिर्फ ये शादी करवाना चाहता हूँ, ये मेरी इज्जत का सवाल है। और मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अच्छा, मतलब वो लड़की तुझे बाप की इज्जत से ज्यादा प्यारी है? बाबूजी मुझे तो आपकी इज्जत भी प्यारी है और मधु से भी प्यार है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये घर ही छोड़कर चला जाऊंगा और उसके बाद मधु से शादी करूंगा, ताकि आपकी इज्जत भी रह जाएगी और मेरा प्यार भी बच जाएगा। नहीं बेटे, बाबूजी से ऐसी बात नहीं करते, और तेरे दिल में घर छोड़ने की बात कैसे आई? तो क्या करूं मां, शादी जिंदगी में एक बार होती है, बार बार नहीं। और अगर बाबूजी अपनी जिद पर अड़े रहे तो जिद में मैं भी इनसे कम नहीं हूँ, आखिर इन्हीं का खून हूँ। खून? सही रंग दिखाया तेरे खून ने। शांति, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आगे कुछ भी मत कहना। सुनने के लिए हद होती है जानकी बहन, बहुत बोल लिया इसने। अरे अगर मेरी बात आपको इतनी कड़वी लग रही है तो बंद कर लीजिए अपने कान, मगर हमारे घर के मामले में बाहर वालों को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर वाले? हम बाहर वाले और तू घर वाला? अरे असलियत पता चलेगी तो तेरे पाँव तले जमीन निकल जाएगी। भगवान के लिए चुप हो जा शांति। अच्छी तरह से जानता हूँ मैं कौन हूँ और क्या हूँ, इस घर का इकलौता वारिस हूँ मैं। लोग मुझे राजा बाबू कह के पुकारते हैं, छोटे मालिक कहकर सलाम करते हैं। मालिक? मालिक तो क्या, तू तो इस घर का नौकर भी नहीं है। शांति, तू तो एक अनाथ है, लावारिस है तू। शांति, और मैं वो हूँ जिसने तुझ अनाथ को मंदिर के सीढ़ियों से उठाकर इसकी झोली में डाल दिया था। क्या कहा? ये बात कहने से पहले तेरी जबान क्यों नहीं कट जाएगी? सौ बार मर के भी जन्म ले लूं ना, फिर भी आप लोगों का एहसान नहीं उतार सकूंगा। नहीं रे। अरे माँ, तूने मुझे कितना प्यार दिया रे, तूने मुझे कितना प्यार दिया। बाबूजी, अब तो आपकी मर्जी मेरे लिए भगवान का हुक्म है, आप जहां बोलेंगे जिधर बोलेंगे मैं शादी करूंगा। अगर इस मोमबत्ती के बुझने से पहले तुमने अपने प्यार का इकरार नहीं किया तो तुम्हारी कसम मधु मैं अपनी जान दे दूंगा।